अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है। खैर दोस्तों, मैं तो फ्रेश हो गया, देखता हूँ बाकी लोगों का क्या हाल है। आइए। थबड़ 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 थबड़। अरे वाह, मलिका नहा रही है, सलीना मसाज करवा रही है, शाहरुख खान फ्लाइट में है और तनुश्री टाइट में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे मालूम। अरे भैया, इंटरनेट पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्विटर, जहाँ ये सब लोग बताते रहते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट में ही सिमट कर रह गई है। खैर, हमको क्या है। किसी के पास बैंक अकाउंट हो या ना हो, फेसबुक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। राशन कार्ड हो या ना हो, लेकिन इंटरनेट डेटा कार्ड होना बहुत जरूरी है। और सबसे मजेदार चीज है वो है इंटरनेट पे चैटिंग। इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है शादीशुदा मर्दों को। रात में बीवी को लगता है कि बेचारे कितना काम कर रहे हैं, लेकिन ये हरामजादे हस्बैंड अपनी आधी उम्र की लड़कियों के साथ चैटिंग कर रहे होते हैं। वैसे सुरेंद्र, मैंने भी इंटरनेट पे एक लड़की बताई है, गर्लफ्रेंड। तुझे मुझ पे यकीन नहीं है? उसकी फोटो देखना चाहेगा क्या? टेंट टेंट क्या कर रहा है साले? मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी दिखाता हूं तेरे को, वो देख। पैमेला एंडरसन। तुझे क्या लग रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे मालूम था तेरा रिएक्शन मुझे नेगेटिव ही मिलेगा, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर बुलाया है। उसको देखेगा ना, तेरे होश उड़ जाएंगे साले। पैमेला, पैमेला, कम ऑन पैमेला। रुका नहीं जाता डार्लिंग, प्लीज प्लीज शो मी योर फेस, शो मी योर फेस। अबे तू क्या है? अब मेरा मतलब तू कौन है? पैमेला। अरे पैमेला तो ये। दो लड़कियों का नाम सेम क्यों नहीं हो सकता? तूने मुझे धोखा दिया है, पैमेला की फोटो को अपना बनाकर तूने मुझे धोखा दिया है। मैं तेरे को बोली मेरा नाम पैमेला है और फोटो भी पैमेला का ही दिखाया। मैंने कौन सा एंजेलिना जोली का फोटो दिखाया? तूने तो कहा था मैं बड़ी हॉट हूँ। क्या झूठ बोला था? इधर आ। Actually, मुझे 103 बुखार है। साली, अरे तूने तो कहा था कि तू मिस इंडिया है। पिछले महीने जब मैं फॉरेन गई थी भूटान, उधर मैं अपने कंट्री इंडिया को बहुत मिस किया, तो मैंने लिख दिया आई मिस इंडिया। अरे तूने कहा था कि तेरी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, हैं? उसका क्या हुआ? मैं ऐसा नहीं बोली। मैं बोली कि मैं जिस बड़े हवेली में रहती हूँ उधर बहुत बड़े बड़े गाड़ियां हैं, वो मेरे ने मेरे साहब के। हेलो साहब, साहब तुम इधर बैठा ना, आज पति ड्यूटी पे घर पे। कैसे है साहब? पति? तुझे मेरे घर से पूछा था कि तेरा पति है कि नहीं, तो तूने कहा था तेरा पति नहीं है। अरे मैं बोला वो पति घर पे नहीं है, मैं बोला वो अपनी माँ के घर गया था ना उस दिन। उसकी माँ का साकी नाका। ए,
माँ को कुछ नहीं बोलने का, वो दारा भी में रहती है। साकी नाका में तो मैं रहती हूँ। तो तेरी माँ का साकी नाका साली। तू मेरे को बोली थी तू सैन फ्रांसिस्को में रहती है। आ तो क्या गलत बोली, साकी नाका में जो बिल्डिंग में रहती है उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। निकल इधर। मैं कहीं का धोखा दी, मॉनिटर रख। क्या है क्या है? मैं कहीं का धोखा दी तेरे को? मैं तो सब सच सच बोली ना, तू ही मेरे को झूठ बोल रहा था। क्या बोल रहा था चैटिंग पे? हाँ मेरा बहुत, मैं बहुत कमाता है, मैं बहुत कमाता है। मेरे को पता चला कि तेरे को तो पेमेंट ही नहीं मिलता है। ये कौन बोला तेरे को? और कौन बोलेगा, मेरा साहब बोला। कैसे साहब? साहब मैं अभी जाती हैं, जल्दी घर पे आ जाओ, बेटा भी तुम्हारा इंतजार करता है। तेरा बेटा भी है? आ तो मैं बोली थी ना, मेरा नाम है पैमेला एंडरसन। पैमेला निकल एंडरसन। गलती में जो हुआ सो हुआ, लेकिन सुरेंद्र तेरा बच्चा बड़ा क्यूट है, फोटो में भी बोल रहा है। यार मेरी समझ में नहीं आता, ये जो भी है शो पर आता है उसकी तेरे साथ सेटिंग होती है। मेरे को झंडू बाम समझे लाए तूने, इसलिए आज मैंने अपने शो पर सिर्फ पॉपुलर मेल एक्टर्स को बुलवाया है और आज वो लोग तेरी क्लास लेने के लिए आ रहे हैं। तो जोरदार तालियों लगी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शरद केलकर। मैं तब तक आता हूं। खुले में करने का मजा ही कुछ और होता है, बहुत मजा आता है। आज मैं कर रहा था तो मेरे बगल में एक भाई साहब बैठे थे, कहते हैं मैं डेली सोप का विलन हूँ। मैंने कहा सर पहले आप सोप से अपने हाथ धो लीजिए। फिर उनसे मैंने हाथ मिलाया और उन्होंने अपने शो पर इनवाइट किया है। ये जो भी करते हैं बहुत खुलकर, तो स्वागत कीजिए इनका। आ रहे हैं शरद केलकर। बड़े शो में बुलाया है और तेरे प्रोड्यूसर ने मुझे लेने के लिए ऑटो भेजा। क्या? अरे इतने बड़े एक्टर के लिए तुम लोगों ने रिक्शा भेजा? अरे मेरे लिए तो साइकिल भेजते हैं लोग, और वो भी डबल सीट पे आना पड़ता है। ये साला तबले लेके पीछे बैठे रहता है। ए, तुम क्या बॉडी गार्ड हो? ऑटो वाले सर निकलो इधर से, निकलो, गेट आउट। तुमने मेरा ऑटो वापस भेजा? मैं निहत्ते पे वार नहीं करता। चला गोली। सच में? चला गोली। अच्छा अब बच एक मिनट। अब चला गोली। कब मरेगा तू? एनीवेज ये पता नहीं कब मरेगा। हमारे डेली शॉप के विलन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात? अरे यार मैं विलन नहीं हूँ यार, मैं बहुत शरीफ बंदा हूँ। चल झूठे, ये कॉमेडी का डेली सोप छोड़कर ना सारे डेली सोप देखे मैंने। हमें पता है कि कितने जालिम ठाकुर हो आप। वो मैं सीरियल में हूँ, मुझे यहाँ देख और मेरी तारीफ कर। चल बहुत अच्छे एक्टर हैं, धोती पहन के बहुत अच्छे लगते हैं, धोती में हवा आती जाती रहती होगी। एक तो मैं पहले से ही सुरेंद्र से बहुत परेशान हूँ, जितनी भी लड़कियां आती है सबको सेट कर लेता है साला। अब तुम्हारी तारीफ करके क्या मैं एक और कंपटीशन पालूं? तुम विलन थे
विलन हो और विलन रहोगे। यार विलन तो गलत काम करते हैं, मैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहता हूँ। अच्छे काम जैसे? जैसे मेरा बस चले तो मैं आतंकवाद खत्म कर दूं। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा काम है। और गरीबी मिटा दूं। आ बस अब ये जल्दी मिट जाएगा। मेरा बस चले तो मैं इतने घोटालों के बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स अच्छे से करा दूं। अच्छा तो चलो हम आपको मौका देते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खिलाड़ी चुनने का। सही में? और उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा क्योंकि सारे कुकारनामे हम वहां करते हैं। ठीक है ये पकड़ो। हाँ सर। थोड़ा शरीफ बनना पड़ेगा। हाँ सर। सिलेक्ट ये भी पकड़ो। सुंदर देखना इसको। जोरदार ताली। पता नहीं कितना सस्ता शो है ये, तो ऑटो भेजते हैं और कपड़े भी हमारे ही मंगवाते हैं। सिलेक्टर है तो कपड़ा अच्छा पहनना ही पड़ेगा। हेलो सर। आप कौन? सर मैं हसुमती देवी, वेट्स उठाने वाली। तुम पता नहीं अपना वेट कैसे उठाती होगी, हमें थोड़ी थोड़ी स्लिम ट्रिम लड़की चाहिए। अबे सर हो चुका, स्लिम ट्रिम लड़की वेट्स कैसे उठाएगी? मल्लिका शेरावत को देखा है? हाँ। कितनी स्लिम है, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों का वेट अपने सर पर उठा रखा है उसने। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन, वेट्स ला वेट्स उठाऊंगी, वरना गुस्सा आ गया ना तो तुझे उठा दूंगी। कहाँ फंस गया मैं? एक मिनट को पूछता हूँ। पूछा कुछ खच खच कुछ वेट्स का क्या? अच्छा देवी जी, आपको वेट्स उठाने के लिए गोल्डी जिम जाना पड़ेगा। गोल्डी जिम क्यों? सारे वेट्स वहाँ किराए पर दिए हुए ना। तो अब मैं क्या करूँ? फिर कोई और गेम खेल लो। और गेम? अरे ये कॉमनवेल्थ हो रहा है या मेले में झूले की सवारी करनी है? देखिए देवी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। हाँ। लेकिन अब जो खेल अवेलेबल है अब वही खेल लीजिए, वैसे भी कौन सा जीतना है। हाँ ये भी बात सही है। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो इंची टेप है वो एक दर्जी किराए पे ले गया। कोई बात नहीं, तुम लेट जाओ यहाँ। अरे सबके सामने मैं कुछ नहीं करूंगी, तुम लेट जाओ। लेट जाओ। अगर मैं जंप मार के उस तरफ पहुंच गई तो मेरा लॉन्ग जंप, और अगर तुझ पर गिर गई तो तेरा हाई जंप। ऐसा मत कर कि तुम जहां कूदोगी वहां मौत का कुआं बन जाएगा और मैं उसमें गिरना नहीं चाहता। तो खिलाड़ी नहीं मिल रहे और वो मिल रहे हैं तो खेल का सामान नहीं मिल रहा है। अब हॉकी के लिए प्लेयर्स मिल गए लेकिन हॉकी सिक्स नहीं मिल रही है। लेकिन इंडिया में हॉकी सिक्स की जरूरत ही क्या है? कौन सा हॉकी से बॉल को टच करना है, इसे बॉल के पीछे भागना ही तो है। तो उसमें बिना हॉकी के भी काम चल जाएगा। हेलो सर। तुम कौन? सर मुझे नहीं पहचाना। सर मैं सानिया मिर्जा, टेनिस प्लेयर। अच्छा टेनिस प्लेयर। हाँ। खेलती क्या हो? सर मैं टेनिस की सबसे बड़ी स्टार हूँ, तुम्हें पता नहीं मैंने कितनी सारी एड्स की हैं। मैच कितने जीते हैं? देखो तुम टॉपिक चेंज मत करो। हाँ तुम देश चेंज कर सकती हो और मैं टॉपिक चेंज नहीं कर सकता। ठीक है बाय सर। अरे अरे ठीक ठाक निकली तो ये शादी करके कहीं और जा चुकी है, कोई ग्लैमर ही नहीं है स्पोर्ट्स। तुम कौन हो? मैं मीडियास की बेटी हूँ, मीडियास की बेटी। मैंने सुना है कि यहाँ के यहाँ पे खेलों का रियलिटी शो होने वाला है। शो ही है। तुम कौन सा खेल खेलोगी? मैं तो हर किस्म का खेल खेल लेती हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट खेल है ना कुश्ती है। तो चलो खेले कुश्ती। ये तो बताओ कि मुझे एक्सपोज कितना करना पड़ेगा? हाँ कि सामने वाला अपने आप ही चित हो जाए। वो तो मैं ऐसा चित करूंगी, ऐसा चित करूंगी कि वो अपना मुंह छुपाता फिरेगा लोगों से। अच्छा सुनो, वहां पे कुश्ती में ना सारी मीडिया को बुलाना, सारी मीडिया को, मिसेस मीडिया यू आल्सो कम। क्या है कि कुश्ती करते करते अगर किस हो गई तो? देखिए मैडम कोई गलतफहमी है, खेल में किस विस नहीं होता है। अरे जब बर्थडे पर किस हो सकता है तो कहीं पर भी हो सकता है। अगर आप कहो तो यहाँ भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है। कृष्णा कृष्णा बचा।
क्या कर रही हो? ये फैमिली शो है। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो यहाँ फैमिली बनाने आई हूँ शरद के साथ। जोरदार तालियां परेश और शरद के लिए। थैंक यू। दोस्तों ये तो थी राखी सावंत, जिन्होंने अपने डांस से पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। अभी तहलका मचा दिया कौन सी बड़ी बात है, बुढ़ापे में कुछ भी कर सकती है। लेकिन हमारे पास एक इतनी सी बच्ची है, क्या डांस करती है शर्मा जी, देखिए क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों मेरा बस चले ना तो ये वाला स्टेप मैं रोज सुरेंद्र से करवाऊं। खैर मेरे सेट को तो आपने जंगली बना दिया। जंगल बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन जंगल में जंगली जानवर बहुत खराब लग रहे हैं। जोरदार तालियां तेजस्विनी के लिए। क्या बात है तेजस्विनी, इतना बढ़िया डांस करती हैं आप। आपकी फेवरेट डांसर कौन सी है ये बताइए। मेरी फेवरेट डांसर माधुरी दीक्षित है। तो आप माधुरी दीक्षित का गाना कर लेती हैं यार। खैर कोई बात नहीं, हम आपसे करवाएंगे माधुरी दीक्षित का गाना। हमारा थबड़ थबड़ है ना, बजाएगा। अच्छा इसके अलावा कोई स्टाइल आता है? हाँ मुझे आपका स्टाइल आता है। कौन सा वाला? बेटा ये मेरा वाला स्टाइल नहीं है, मैं जीतू जी की मिमिक्री करता हूँ। और इतनी मिमिक्री करने लगा हूँ मैं जीतू जी की, कहीं जीतू जी भी आजकल कहीं भी जाते हैं ना तो लोग उन्हें कहते हैं जीतू जी आप कृष्णा जितना अच्छा जीतू जी नहीं कर सकते। खैर मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चल के जाना है क्योंकि 9:30 बज गए हैं। शर्मा जी आपको पता है 9:30 बजे ही तो रोता हूँ मैं। क्योंकि क्या बेटा मेरे शो की कोई प्रमोशन नहीं करता। तो शर्मा जी कहीं मत जाइएगा, कल रात को 9 बजे फिर यहीं पे आइएगा इसी शो पर जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो।